नमस्कार दोस्तों दोस्तों जो लोग एक शहर में हैं, जैसे एक देश में हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, उसके लिए जो लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, मतलब किसी मजबूरी वर्ष वो नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि ना ट्रेन चल रहा है, ना बसेस चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, तो उन लोग ये जानना चाहते हैं कि 15 तारीख को लॉकडाउन की वजह से ट्रेन खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी कि ट्रेन का हाल क्या है, अभी सिचुएशन क्या है, रेल मंत्री ने क्या कहा है लेटेस्ट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों रेल मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अभी का जो स्थिति है उससे ट्रेन खुलना 15 तारीख से मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी कि अब जो काफ़ी जो आसान लग रहा था कि ट्रेन 15 तारीख के बाद से खुलेंगे, काफ़ी IRCTC ने अपना वेबसाइट भी ओपन कर दिया था टिकट बुक करने के लिए, तो सभी लोग बुक भी किए थे, काफ़ी टिकट बुक भी हो गया था, लेकिन सस्पेंस अभी इस पे बना हुआ है कि क्या होता है आगे जो होगा वो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि सरकार क्या डिसीज़न लेती है, कि अभी का सिचुएशन के हिसाब से उनको डिसीज़न लेना पड़ेगा, तब का सिचुएशन के हिसाब से। अभी के सिचुएशन के हिसाब से डिसीज़न लेना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हर दिन मामला बढ़ता जा रहा है। अभी मैं बता दूँ आपको 5000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूँ आपको कि अगर आप कोई टिकट बुक कर रहे हो या बुक कर चुके हो तो कृपया कैंसिल ना करें, क्योंकि अगर आप खुद से कैंसिल करोगे तो आपका अमाउंट काफ़ी डिडक्ट हो जाएगा। अगर रेलवे के द्वारा कैंसिल होगा तो आपको एक भी रुपया कटे नहीं जाएंगे, इसलिए आप कोई भी टिकट कैंसिल ना करें अभी, अगर बुक कर लिए हैं तो। अगर बुक नहीं किया तो अभी बुक ना करें, कृपया ये सिचुएशन को देख लें 14 तारीख के बाद क्या होता है। जो भी होगा आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल की घंटी दबा सकते हैं, ताकि आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन आपके आपके YouTube पे आ जाए और आप इस वीडियो को देख करके आप कह सकते हैं कि आपको ताज़ा जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी था। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।